गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम प्रबंध और प्रशासन के बीच में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको प्रशासन के बारे में। प्रशासन संस्था के उद्देश्यों और नीतियों का निर्धारण करने तथा योजनाओं का निर्धारण करने तथा योजनाओं का निर्माण करने में सरोकार रखता है। मतलब प्रशासन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि नीतियों का निर्धारण करेगा, फिर उनकी योजनाओं का निर्धारण करेगा, फिर योजनाओं का निर्माण करेगा। तो ये सब प्रशासन का काम होता है। मतलब प्रशासन का जो काम होता है वो टॉप लेवल का काम होता है। वो सिर्फ नीतियों के बनाना, उनका उद्देश्यों को डिसाइड करना होता है। लेकिन प्रबंध का जो काम होता है, जो प्रशासन के द्वारा नीतियों योजना बनाई है उन्हें एग्जीक्यूटिव करना होता है, उन्हें क्रियान्वित करना होता है। तो प्रबंध का काम ये होता है, जो प्रशासन के द्वारा सौंपा हुआ जो नीतियों निर्धारित होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव करना होता है, क्रियान्वित करना होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि प्रशासन एक टॉप लेवल का काम होता है, जो सिर्फ नीतियाँ बनाता है, योजना बनाता है, और प्रबंध उनको क्रियान्वित करता है, उन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। इसका विचार मूलक निर्धारित कार्य होता है। मतलब इनका जो प्रशासन का जो काम होता है, सोचने का काम होता है, उन अपनी योजनाओं को डिसाइड करने का काम होता है। और इसका जो काम होता है निष्पादित से संबंधित कार्य होता है। मतलब जो काम उन्हें सौंपा गया है उसको आप किस तरह से काम करते हैं वो उससे संबंधित कार्य होता है। और इनका जो स्तर है, ये प्रशासन का जो स्तर है बहुत उच्च स्तर ये प्रबंध का होता है, टॉप लेवल होता है। और प्रबंध का जो स्तर होता है वो निम्न वर्गीय प्रबंधकों का कार्य होता है। और नेक्स्ट है इसमें व्यक्तियों का स्तर। प्रशासन करने वाले व्यक्ति सामान्यतः उच्च स्तर के तथा मालिक अथवा उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि प्रबंध करने वाले व्यक्ति सामान्यतः वेतन भोगी या सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है सीमाओं का निर्धारण। प्रशासन उन सीमाओं का निर्धारित करते हैं जिनसे प्रबंध कार्य करते हैं, और जबकि प्रबंध की सीमाओं का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी निर्णय का क्षेत्र। प्रशासन नीति संबंधी निर्णय लेता है और प्रबंध सामान्यतः दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित निर्णय लेते हैं। प्रभाव। प्रशासन के कार्यों निर्णयों पर वातावरण के बाह्य घटक का प्रभाव अधिक होता है, और प्रबंध के कार्यों तथा निर्णयों पर संस्था की नीतियों और योजनाओं का प्रभाव होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन को वैचारिक योग्यता चतुराई की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि प्रबंध को तकनीकी और मानवीय चतुराई की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रचलन का क्षेत्र। प्रशासन का प्रचलन गैर लाभ उद्देश्य वाला संगठन प्रशासन का जो शब्द का प्रचलन है वो गैर लाभ उद्देश्य वाले संगठनों में अधिक होता है, जबकि प्रबंध शब्द का जो है, कहने का मतलब जो मैनेजमेंट का जो शब्द है उसका जो यूज़ है वहाँ लाभ उद्देश्य वाले व्यवसाय संगठनों में अधिक होता है। मतलब इन शब्दों का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन। प्रशासन परिवर्तन के विरोध करता है और यथावत स्थिति बनाए रखने पर विचार करता है, जबकि प्रबंध परिवर्तन चाहता है, वो चाहता है चेंज हो वो जो काम कर रहा है। कार्यशैली। प्रशासन आदेश देने वाला कार्य करता है, जबकि प्रबंध अभिप्रेरित करके कार्य करवाता है। नेक्स्ट है प्रशासन सत्ता बटोरना चाहता है और जबकि प्रबंध सत्ता बांटना चाहता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर है कि दोनों ही अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन दोनों के बिना काम भी नहीं चल सकता। प्रशासन भी बहुत जरूरी है, प्रबंध भी बहुत जरूरी है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको अंतर बताया है। बेसिकली हम अपने रोज़मर्रा जीवन में भी इस अंतर को देख सकते हैं। तो ये सब एक अंतर के रूप में निकल के सामने आया है हमारे सामने कि प्रबंध और प्रशासन क्या होता है। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रबंध और प्रशासन में चार अंतर बताइए, तो आप नॉर्मली इस बात को बता सकते हैं कि कोई से भी चार अंतर आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक कई बार ऐसा आ जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।